नमस्कार दोस्तों, मड़ीस में आपका स्वागत है। होप करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम सभी अपने जीवन से बेहतर की उम्मीद रखते हैं और ये उम्मीद रखना कोई गलत नहीं है। ये बहुत ही सही बात है कि हमें अपने जीवन से एक बेहतर उम्मीद रखने का जो हमारा वो होता है, क्या कह सकते हैं उसको, एक्सपेक्टेशन, जो हम अपने ज़िंदगी से जो एक्सपेक्टेशन रखे हैं कि हम बेहतर करेंगे, ये ज़रूरी है क्योंकि ये आपको अपने पुराने कल से बेहतर बनाएगा। आज पिछले कल से बेहतर आने वाले कल हम आज के कल से ज़्यादा बेहतर बनेंगे। यही हमारा जो प्रोसेस होगा वो हमारा स्लोली आगे ग्रो करेगा। इसके बीच में एक प्रॉब्लम, समस्या क्या आ गई है, इसके बीच में समस्या आ गई कि हम स्प्रिंटर बनने की कोशिश करने लगे हैं। स्प्रिंटर बनने का मतलब है कि समाज के जो वो पैरामीटर है, जो वैल्यू है, समाज हमको तुरंत इज्जत दे, हमारा न्यूज़पेपर में नाम आए, लोग हमें देखे तो हमें ऐसे सर उठा के देखे, ये तमाम जो कल्पनाएं हैं उसके चक्कर में कुछ बच्चे तो निकल जाते हैं, लेकिन एक मास बच्चे पीछे रह जाते हैं। ट्राई वो भी करते हैं लेकिन वो पीछे रह जाते हैं और उसके पास फॉल बैक नहीं होता है। सो टुडे I want you guys to make your fallback plan. ये fallback plan कायर का काम नहीं है, ये fallback plan is very important to survive. अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो आप बहुत बड़ा सा एक ड्रीम देखोगे कि ये करना है। अब मैथमेटिक्स लगा लेना कि उसको करने में क्या पॉसिबिलिटीज हैं, अगर नहीं हुआ तो कहाँ जाएंगे, ये प्लान बनाना, इसको प्लान कहते हैं। अगर एक वार जोन में हो तो सिर्फ जीतेंगे ही ये जरूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको युद्ध छोड़ के जाना पड़े। आप युद्ध छोड़ के गए इसका मतलब आप भागे नहीं, आप हो सकता है कि और बेहतर से युद्ध की तैयारी करके फिर से उस युद्ध में आए हो। लोग कहते हैं कि भागना नहीं है, जला दो, अब युद्ध करना है, बस युद्ध ही करना है, अब मरेंगे या तो करेंगे या मरेंगे। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। अब मैं आई डोंट नो, मैं गलत हूं या सही, मुझे नहीं पता, बट मैं ऐसा नहीं मानता। मैं समझता हूं कि हो सकता है कि कभी आप किसी युद्ध के मैदान में हैं और आप प्रिपेयर्ड नहीं, आपको पता चला कि आप प्रिपेयर्ड नहीं है, तो आपको उस युद्ध के मैदान से घर वापस आना ही चतुराई है, ना कि उसमें मर जाना। ओके, सो नाउ कम टू द पॉइंट, किस टाइम पे आपको सिविल सर्विसेज की, पीसीएस की तैयारी करनी चाहिए? क्योंकि आप जब पढ़ते हो तो बहुत सारे बच्चे के मन में होता है कि हम तैयारी करेंगे, और बहुत लोगों का मन में होगा, बिहार में तो खास करके होता है। आज के टाइम में राजेंद्र नगर, ओआरएन जिसको हम लोग कहते हैं, ओल्ड राजेंद्र नगर, आप जब करोलबाग से निकलोगे फिर आप ई रिक्शा लोगे और ओल्ड राजेंद्र नगर की तरफ आओगे तो आपको सारे कोचिंग के बड़े बड़े बैनर दिखेंगे, वजीराम हो गए, जो भी हैं ये आपको दिखेंगे। ये 2020-21 से पहले बहुत बड़ा वो हुआ करता था, मक्का कहते थे हम लोग कि अगर सिविल सर्विसेज का मक्का है तो वो राजेंद्र नगर है, ओल्ड ORN। आज का समय बदल चुका है, आपके फोन में, आपके लैपटॉप में सारा कोर्स मटेरियल आपको अवेलेबल है, कम प्राइस में अवेलेबल है। तो कब शुरुआत करनी चाहिए? आई थिंक बेस्ट टाइम इज नाउ, यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। अगर आज आप प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर रहे हो, आज आप क्या कर रहे हो, इधर से उधर, आज कभी आप इस चीज की तैयारी में लगे हो, कभी उस चीज की तैयारी में लगे हो, कभी फलाना कर रहे हो, कभी स्टार्टअप कर रहे हो, कभी ये कर रहे हो, सब गलतियां कर रखा है जिंदगी में, तभी बता रहा हूं। और फिर लास्ट में जाके अगर आप तैयारी शुरू करते हो तो फिर दिक्कत है, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत गलाकाट कॉम्पिटिशन है और इस गलाकाट कॉम्पिटिशन में तुम बेस्ट नहीं हो, ट्रस्ट मी, तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत बेहतर हो क्योंकि स्कूल कॉलेज में तुमने बेहतर किया है, तुम्हें लगेगा कि तुम बेहतर हो, बट ये मार्केट तुमसे बहुत बेहतर लोग हैं इस मार्केट में और वो बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रखे हैं, करते आ रहे हैं। मैं ये नहीं कर रहा, मैं तुम्हें डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं कि नशा करने से बेहतर है कि थोड़े से लॉजिकली हम चीजों को सोचेंगे। लॉजिकली चीजों को सोचने का मतलब है कि अगर आप आज से तैयारी शुरू करोगे, एनसीईआरटी स्टार्ट करोगे, न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट करोगे, तो इतना बेस बन जाएगा ना कि अगर दो तीन अटेम्प्ट आपका नहीं भी हुआ ना तो आप किसी और चीज में एंट्री कर लोगे,
स्टेट पीसीएस में एंट्री कर लोगे या फिर आपका पुलिस विभाग में एंट्री कर लोगे, उसके बाद ये वन विभाग होता है, फॉरेस्ट सर्विस होता है, फिर उसके बाद ये इकोनॉमिक सर्विस होता है, कई चीजें हैं उसके अलावा, उसमें कहीं ना कहीं तुम घुस सकते हो, फॉल बैक है, वो सारा फॉल बैक है। लेकिन कॉलेज के बाद तुमने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तीन साल दो तीन साल तुम्हें बेस बनाने में लगेगा, प्रेशर अलग होगा, घर का प्रेशर अलग होगा, उम्र अलग बढ़ेगी, उम्र होने के बाद हमारी इफिशियंसी थोड़ी सी घटती जाती है, उम्र बढ़ने के बाद अनुभव बढ़ता है, इफिशियंसी घटती है। तो आज अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो ये सबसे बेहतर है कि आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए आज। आप बहुत बेहतर नहीं है, इस बात को आप मानिए, आप बहुत बेहतर नहीं है। तो आपको अगर सिर्फ एक चीज बचा सकता है वो ये, आपकी मेहनत। आप सिर्फ मेहनती बन सकते हैं। अगर हम लोग इंटेलिजेंट होते तो हम लोग मैथमेटिक्स में या किसी फिजिक्स में या इकोनॉमिक्स में हम लोग ओलंपियाड जीत चुके होते। तो हम लोग को ये चीज एक्सेप्ट करना चाहिए, वी आर नॉट इंटेलिजेंट, हम बहुत इंटेलिजेंट नहीं है, हम ब्रिलियंट नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक ही औजार है और वो है मेहनत। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, मुझे लगता है बहुत चीजें पॉसिबल है। ओके, आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। गाइडेंस यूट्यूब पे भरे हुए हैं, सिंपल गाइडेंस है, कुछ नहीं करना है, न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हो डेली, कसम से बोल रहा हूं प्रिपरेशन मत करना, कसम से बोल रहा हूं मत करना, जिंदगी को बर्बाद करने की तैयारी कर रहे हो। अगर आप कंटिन्यूसली तीन महीने न्यूज़पेपर पढ़ पा रहे हो, उससे कुछ चीजें सीख पा रहे हो, देन यू हैव टू थिंक। साइनिंग ऑफ।